So dear students, check out the next sentence. It was an altruistic motive that prompted him to help her. Prompt करना, boost करना. Okay, word is altruistic. Altruistic का meaning होता है selfless. Selfless means who is not selfish. Who is not selfish. Selfless, जो अपने बारे में नहीं सोच रहा. Unselfish, that means जो अपने बारे में नहीं सोच रहा. तो that is एक और वर्ड अनसेल्फिश. ओके, तो altruistic means जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, जो सेल्फिश नहीं है, तो उसको ऑपोजिट सेल्फिश. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनह्यूमन? ह्यूमन का ऑपोजिट इनह्यूमन. इनह्यूमन मीन्स जो वियर्ड है, जो वाइल्ड है, जो इरेशनल है, जो इनसेन है. ओके, नाउ ब्रूटल मीन्स बहुत ही वायलेंट, बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही इनह्यूमन, जानवरों के जैसा. ही वॉज इन द जेल फॉर डूइंग अ ब्रूटल मर्डर. दैट मीन्स बहुत बुरी तरह मर्डर करने के लिए, जानवरों के जैसा ब्रूटल मर्डर करने के लिए. विकेट मतलब बहुत कनिंग, चतुर, चालाक. तो आंसर इज एल्ट्रिस्टिक का ऑपोजिट सेल्फिश. नाउ नेक्स्ट वर्ड, जॉन इज ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड. नाउ ही लुक्स शैबी. See, shabby means untidy. That means not decent. जो अच्छा नहीं है. Shabbily, that means not taking proper care. जो shabby है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो कुछ भी पहन के आ रहा है, वो कुछ भी untidy पहन रहा है, वो कुछ भी indecent पहन रहा है. That means उसको ये तमीज नहीं है कि क्या पहनना है और कैसे पहनना है. That is shabbily. Now shabbily का opposite decently, beautifully. यहाँ shabbily का opposite beautifully नहीं आएगा. यहाँ बात सुंदर की नहीं हो रही, यहाँ बात अच्छे की हो रही है. Okay, तो beautifully नहीं. Scantily means scanty. Scanty means कम. अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कपड़े पहन रहा है तो उसका opposite कम कपड़े, तो ये भी नहीं. Extravagantly means बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा दिखावा करना, तो नो. आंसर है डिसेंटली. डिसेंटली मीन्स डिसेंट तरीके से, सोबर तरीके से, गुड मैनर्स से, तरीके से, विद शोइंग गुड मैनर्स, कर्टियस, अच्छा. नाउ अगेन द सेम वर्ड, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है. द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक इज अर्बेन इन हिज मैनर्स. तो अर्बेन मीन्स कर्टियस, रिफाइंड. अर्बेन मीन्स कर्टियस. व्हाट डू यू मीन बाय कर्टियस? जिसमें कर्टेसी है, जिसमें एटिकेट्स हैं, जो गुड मैनर्ड है. ओके, तो अर्बेन मीन्स कर्टियस. अर्बेन का एक और मीनिंग रिफाइंड. अर्बेन का एक और मीनिंग पॉलिश. अर्बेन का एक और वर्ड है डेबोनेर. बट ये सारे वर्ड्स याद रखना. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइंड? जैसे ऑयल को रिफाइन करते हैं, हम छानते हैं तो छन छन के उसमें से इम्प्यूरिटीज निकल जाती हैं, वैसे ही व्हेन यू विल बिकम रिफाइंड, आपकी सारी जो बुरी आदतें हैं, बैड मैनर्स है, वो निकल जाएंगे, तब आप रिफाइंड कहलाओगे, तब आप अर्बेन कहलाओगे. ओके, तो अर्बेन का ऑपोजिट रूड. अर्बेन का ऑपोजिट रूड, बिकॉज सिविलाइज्ड मींस अर्बेन. स्लो और फूलिश, नो, उसका ऑपोजिट है रूड. नाउ इट इज नेसेसरी टू डेवलप थ्रिफ्टी हैबिट्स टू बी एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. नाउ थ्रिफ्टी वर्ड भी हम कर चुके हैं. थ्रिफ्टी का एक और वर्ड है प्रूडेंट. प्रूडेंट मीन्स केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन. तो थ्रिफ्टी मीन्स स्पेंडिंग मनी वाइजली. वाइजली मतलब सोच समझ के, वाइजली एंड केयरफुली, एंड नॉट वेस्टिंग इट. याद रखना बेटा इसका मीनिंग. तो थ्रिफ्टी हैबिट्स या स्पेंड थ्रिफ्ट होना, उसका मतलब ये होता है वो बहुत समझ के, सोच समझ के पैसा खर्च करता है. थ्रिफ्टी हैबिट्स, दैट मीन्स पैसा खर्च करने की ऐसी आदतें कि जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रहा है और एक भी पैसा या एक भी रुपया वेस्ट नहीं होने दे रहा. ओके, ना उसका ऑपोजिट एक्सपेंसिव रॉन्ग. इकोनॉमिकल मीन्स सेम, कि बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है. गुड बी रॉन्ग. आंसर है एक्स्ट्रावेगेंट, बिकॉज एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा दिखावा करना, एक्स्ट्रा करना, हर चीज में एक्स्ट्रा करना. तो जब हर चीज में आप एक्स्ट्रा शो ऑफ कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहे हो, बिना सोचे समझे पैसा उड़ा रहे हो. तो आंसर इज एक्स्ट्रावेगेंट. नाउ नेक्स्ट इज
मेनी पीपल सफर बिकॉज ऑफ प्राइड. नाउ हमने प्राइड वर्ड किया हुआ है. प्राइड मीन्स आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका अभिमान, आपका गर्व. आप बहुत प्लेजर ले रहे हो उस चीज के लिए. आप अगर गर्व कर रहे हो, आप उस चीज पे अभिमान दिखा रहे हो, आप गर्व कर रहे हो. ओके, तो मेनी पीपल सफर बिकॉज ऑफ प्राइड, अपने अभिमान के कारण से. अगर मैं लिखूं अभिमान, अब आप बोलोगे मैम आपने गर्व भी लिखा और अभिमान भी लिखा, ये कैसे? रिमेम्बर हमने नाउन में प्राउड वर्ड किया था. प्राउड दो चीजों में लेके जाते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर मैं बोलूं ही प्राउड ऑफ हिज कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, वी ऑल आर प्राउड ऑफ माई कंट्री. तो प्राइड प्राउड सेम मीनिंग. तो हमें अपनी कंट्री पर गर्व है. ओके, और अगर हम बोले ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने पैसे का घमंड है. तो यहां बात अभिमान की हो रही है, घमंड की हो रही है. ओके, तो कई लोग अपने एटीट्यूड के कारण, अपने अभिमान के कारण बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. तो उसका ऑपोजिट लोलीनेस, नॉम. सबमिशन, सबमिट करना. ओबीडियंस मतलब बात मानना. आंसर है ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मतलब लो लेवल. ह्यूमिलिटी मीन्स किस, अब यहां बात रिस्पेक्ट की हो रही है तो ह्यूमिलिटी मीन्स इंसल्ट करना. यहां बात गर्व और अभिमान की हो रही है तो ह्यूमिलिटी मीन्स किसी को इंसल्ट करना. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग पेपर सेकेंड ईयर 2014. नाउ हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच वॉज अप्लॉडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस. नाउ वी हैव डन दिस वर्ड अप्लॉडेड. अप्लॉडेड का एक और वर्ड है लॉडेबल, प्रेज़वर्दी, तारीफ के काबिल. एक और वर्ड अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना. एक और वर्ड कमेंडेबल या कमेंडेड. इन सब का मतलब है तारीफ करना. उसका ऑपोजिट डिसअप्रूव. पहले तो प्रेज्ड, प्रेज मतलब अप्लॉडेड तो इसको रॉन्ग. वेलकम मतलब प्रेज्ड, ऑफ मिसअंडरस्टूड रॉन्ग. आंसर इज डिसअप्रूव. डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना, उसकी बुराई करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना. तो आंसर इज डिसअप्रूव. नाउ नेक्स्ट, इन एंशियंट इंडिया स्कॉलर्स, स्कॉलर्स हु आर स्कॉलर्स, वन हु स्टडी, वन हु गेट्स द नॉलेज, वन हु इज इन द पाथ टू गेट द नॉलेज. जो शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, जो नॉलेज प्राप्त करने जा रहे हैं. स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर और मटेरियल ग्रोथ. और मटेरियल ग्रोथ, वर्ड इज मटेरियल. अब मटेरियल हमें तो ये पता है, मटेरियल्स मींस चीजें. आपने मटेरियल नाउन पढ़ाया है मैडम ने, तो मटेरियल मतलब चीजें. यहां मटेरियल मतलब फिजिकल नीड्स, फिजिकल मटेरियल. दैट मींस फिजिकल, जो यहां दुनियादारी की चीजें. फिजिकल मतलब रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड. दैट मींस रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू दिस वर्ल्डली थिंग्स. इस दुनियादारी की चीजें. दैट मीन्स अगर आप इस दुनिया में हो, यू नीड मनी, यू नीड हाउस, यू नीड कार, यू नीड एवरीथिंग टू शो योर लेवल. अब अगर मैं बात करूं सेंट्स की, संतों की, दे डोंट रन बिहाइंड द मटेरियल थिंग्स, दे रन बिहाइंड द स्पिरिचुअल थिंग्स, गॉड. तो जो इस दुनिया का नहीं है वो भगवान है, जो इस दुनिया का है वो मटेरियल है. दैट मीन्स वो कभी भी खत्म हो जाएगा. तो मटेरियल मीन्स इस दुनिया से रिलेटेड थिंग्स, फिजिकल अट्रैक्शन. दैट मीन्स जो यही खत्म हो जाएगा. उसका ऑपोजिट है स्पिरिचुअल. दैट मीन्स गॉड, गॉडली, रिलेटेड टू गॉड. तो आंसर इज स्पिरिचुअल. नाउ अ फ्रेंडली डॉग मेट अस एट द फार्म गेट. नाउ सी द वर्ड, आंसर इज फ्रेंडली. सॉरी, द वर्ड इज फ्रेंडली. Friendly means दोस्ती. Okay. A friendly dog met us at the farm gate. हमें dog मिला farm के gate पे, जो बहुत friendly था, बहुत easy to connect था. हमने word किया है affable. Affable मतलब friendly. Okay. उसका opposite helpful, wrong. Understanding, wrong. Check out this. Quiet या hostile. What do you mean by hostile? Hostile means enmity. Hostile means unfriendly. तो आंसर इज हॉस्टाइल. द बेस्ट ऑप्शन इज हॉस्टाइल. तो वी हैव डन 158 सेंटेंस. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सेंटेंस इज
ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट प्राउड. वो बहुत इंटेलिजेंट है बट उसे घमंड है अपने इंटेलिजेंस का. तो वर्ड इज इंटेलिजेंट. ना इंटेलिजेंट मीन्स वन हु इज अवेयर, वन हु इज हैविंग नॉलेज. क्लियर? जो अवेयर है व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है. वन हु इज क्लेवर, वन हु इज ब्राइट, ये इंटेलिजेंट. अब इसका ऑपोजिट डल, नो. वो बुद्धू है, नो. कमजोर है, नो. एरोगेंट मतलब रूड, नो. आंसर इज इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मतलब जो अनअवेयर है, जो क्लेवर नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है. तो आंसर इज इग्नोरेंट. वन हु इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट इज इग्नोरेंट. द ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंट इज इग्नोरेंट. दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए एक और वर्ड लिखूं, लैकिंग अवेयरनेस या लैकिंग नॉलेज, तो उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंट, कि उसको पता ही नहीं है क्या है. ओके, तो लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 160. ओके, द यंग लीडर वॉज रिलक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस. नाउ मिनिस्ट्रियल ऑफिस मतलब मिनिस्टर का ऑफिस. ओके, टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ फ्रेज दैट मीन्स जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाना. जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाना. नाउ द यंग लीडर कैसा था? रिलक्टेंट था. रिलक्टेंट था किस चीज के लिए? जिम्मेदारियां उठाने के लिए अपने कंधों पे मिनिस्टर के ऑफिस की. तो रिलक्टेंट मीन्स वन हु इज नॉट विलिंग टू डू दैट, वन हु इज हेजिटेंट, जो करना ही नहीं चाह रहा, जिसको नहीं करना, जिसको करना ही नहीं है, वो चाह ही नहीं कर रहा, तो हेजिटेंट, उसको करना ही नहीं है. तो उसको ऑपोजिट वॉन्टिंग, नो. अब ये इसका मतलब ये नहीं, ये चाह नहीं रहा तो ये चाह रहा है. वॉन्टिंग इज अ रॉन्ग वर्ड. विलिंग, अब ये अनविलिंग, ये विलिंग, नो. आंसर है एंशियस. एंशियस मतलब क्यूरियस है करने के लिए, बहुत ज्यादा बेचैन है करने के लिए. ही इज ड्राइंग टू डू दैट. एंशियस होना, वरिड होना, उसको करना ही है. ये विलिंग मतलब चाहना, उससे भी बेस्ट ऑपोजिट एंशियस. एंशियस मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है करने के लिए, बेचैन हो रहा है करने के लिए. ओके, तो आंसर इज एंशियस. नाउ ही अबैंडन्ड हिज फैमिली. अबैंडन्ड हमने वर्ड किया है बेटा, अबैंडन्ड मतलब टू लीव. ओके, टू डेजर्ट. डेजर्ट मतलब छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, अलग छोड़ देना, आइसोलेट. तो आंसर इज सपोर्ट. सपोर्ट करना, उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट करना. नाउ हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज. इंस्टेंसेस मतलब सीन, एग्जांपल्स. करेज मतलब ब्रेवरी. तो आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें ब्रेवरी के बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. तो अबाउंड्स मींस इन लार्ज क्वांटिटी. अबाउंड्स मींस इन लार्ज क्वांटिटी. दैट मींस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. तो उसका ऑपोजिट शाइन्स, रॉन्ग. उसका सफिस मीन्स सफिशेंट. सफिस अबाउंड्स का सिनोनिम. तो ये भी गलत, फेल्स भी गलत. आंसर है लैक्स. लैक्स मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी होना. अबाउंड्स मतलब सफिशेंट होना, उसका ऑपोजिट डेफिशिएंसी होना. दैट मीन्स कम होना. वन मोर वर्ड, स्केर्स मीन्स कम, लैक मीन्स कम, डेफिशिएंसी मीन्स कम, स्कैंट मीन्स कम. So many word for the word lacks. Okay, now we move forward to the next sentence. So the next sentence is adversity. Just check out the spelling. This is adversity. Adversity teaches man to be humble and self-reliant. Now what do you mean by humble? Humble means polite. Humble means modest. बेटा एक-एक word के इतने सारे synonyms मिल रहे हैं. Humble means down to earth. Now self-reliant. Nowadays Modi ji is giving you this स्लोगन, बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना. दैट मीन्स डोंट रिलाय ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग, जस्ट बी सेल्फ रिलायंट. अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहो, सेल्फ रिलाय करो, आत्मनिर्भर बनो. तो सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर होना. नाउ द वर्ड इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी के लिए हमने वर्ड किया है डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, बैड लक. नाउ दैट मीन्स प्रॉब्लम का टाइम ही इंसान को पोलाइट बनाता है और आत्मनिर्भर बनाता है. नाउ दिस सेंटेंस सूट्स द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अवर कंट्री. वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन, वी आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना.
कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली, तो उसके लिए हम लोगों को हमारे पीएम ने क्या स्लोगन दिया है, बी सेल्फ रिलायंट. दैट मीन्स डोंट डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, अपने ऊपर ही हमको डिपेंड करना है. तो किस चीज के कारण ऐसा हुआ, एडवर्सिटी मीन्स प्रॉब्लम मीन्स डिफिकल्ट टाइम आया है, प्रॉब्लम का टाइम आया है, हमारा बुरा वक्त चल रहा है इसलिए. ओके नाउ एडवर्सिटी का ऑपोजिट सिंसियरिटी, नो. एनिमोस्टी मीन्स एनमिटी, ये वर्ड याद रखना, एनिमोस्टी मीन्स एनमिटी. ओके नाउ क्यूरोसिटी, नो. प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स गुड टाइम, दैट मीन्स गुड लक, दैट मीन्स सुख समृद्धि, दैट मीन्स बहुत अच्छा वक्त. Okay, now the next. Now, like poverty, affluence. Now, just correct the spelling. This is affluence. This is affluence. Isko correct kar lena. This is mistyped here. Again, I'm writing here. Affluence is the correct word. Now, what do you mean by affluence? Hum ye word kar chuke hain. He belonged to an affluent family. He is totally affluence. Affluence ka matlab hai wealthy. Affluence ka matlab hai rich. Richness, amiri, amir. Now, like poverty, affluence can sometimes create its own problems. Sentence ye keh raha hai, garibi ke saath saath amiri bhi apne aap mein ek bahut problem create kar sakti hai. That means, zaruri nahi hai, sirf garibon ko problem rehti hai. Amiron ko bhi bahut problem rehti hai. Toh, like poverty, affluence can create its own problems. Toh, wealthiness ya richness ki bhi, अमीरी की भी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स है. तो हमें ऑपोजिट निकालना है एफ्लुएंस का. इंडिजिनियस हमने वर्ड किया है. इंडिजिनियस मीन्स पुअर. रिमेंबर ही वॉज अपॉइंटेड अ लॉयर फॉर 52 इंडिजिनियस पीपल. दैट मीन्स इंडिजिनियस मीन्स पुअर. ऑप्लुएंस एक वर्ड है. ऑप्लुएंस मीन्स वेल्दी. ऑप्लुएंस का मतलब भी रिचनेस है. तो ये भी गया. सौर मतलब दुख भी गया. एक्सुबेरेंस मीन्स एनर्जेटिक. सी कितने सारे नए नए वर्ड सीख रहे हैं. ऑपुलेंस मीन्स वेल्दी. एक्सुबेरेंस मीन्स एनर्जेटिक. आंसर इज इंडिजिनियस, क्योंकि इसका मतलब रिच. तो इंडिजिनियस मीन्स पुअर. ओके नाउ द हैबिट ऑफ स्क्वैंडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज. नाउ स्क्वैंडरिंग, हमने इससे पहले मनी से एक वर्ड रिलेटेड किया, थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी हैबिट्स या हमने सॉरी थ्रिफ्टी हैबिट्स हमने एक वर्ड किया था स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टी हैबिट्स. थ्रिफ्टी हैबिट्स किसकी होती है, हमने अभी किया है. वन हु इज प्रूडेंट, वन हु स्पेंड्स द मनी केयरफुली, वन हु डज नॉट वेस्ट द मनी. वैसे ही स्पेंड थ्रिफ्ट होना बहुत सोच समझ के खर्च करना, एक भी रुपया फालतू का खर्च नहीं करना. ना उसका ऑपोजिट है स्क्वैंडरिंग. स्क्वैंडरिंग मीन्स वेस्टिंग मनी. वेस्टिंग मनी और टाइम दोनों के लिए यूज होता है. ओके या हम लिख सकते हैं स्पेंडिंग मनी और टाइम. स्पेंडिंग मनी और टाइम अनवाइजली. अनवाइजली मतलब बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना. अगर मनी की बात हो रही है तो मनी स्पेंड टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो टाइम के लिए भी. तो बिना सोचे समझे यहां बात हो रही है मनी की. बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना, बिना कुछ प्लान किए बिना सोचे समझे. अब उसका ऑपोजिट डिस्कार्डिंग. डिस्कार्ड करना रिजेक्ट करना. डिस्कार्ड करना कैंसिल करना. आप कहते मैसेज डिस्कार्डेड, तो ये रॉन्ग. नाउ डोनेटिंग दान दे रहा है वो नो. स्टीलिंग चोरी कर रहा है नो. आंसर इज होर्डिंग. होर्डिंग मतलब जमा कर रहा है वो. स्क्वैंडरिंग करना उड़ा रहा है वो. पैसा उड़ा रहा है जी, खोल के खर्च कर रहा है. उसका ऑपोजिट पैसा जमा कर रहा है. होर्डिंग ऑफ गुड्स, होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज की जमाखोरी. तो होर्डिंग मतलब जमा करना. नाउ सी होर्डिंग हैज टू मीनिंग. सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन. वन होर्डिंग मीन्स जस्ट टू आप जमा कर रहे हो. आप उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप उसको जमा कर रहे हो. अनदर होर्डिंग मीन्स द बिग बिग बोर्ड्स ऑन द रोड साइड गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स. जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं जहां पे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आपको नोटिस दिया रहता है, दैट इज होर्डिंग. बिग बोर्ड्स फॉर द होर्डिंग बोर्ड. होर्डिंग बोर्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ होर्डिंग जमा करने के लिए. वहां बहुत सारी चीजें असेंबल हो रही हैं, जमा हो रही हैं. नाउ फ्रेल.
Now, ये वर्ड सारे आपके लास्ट ईयर पेपर से हैं, जो 2012-11 से पहले आपके एंटोनिम्स इसी फॉर्म में आते थे. Now, frail means weak. Frail means delicate, नाजुक. तो उसका ऑपोजिट बिग नहीं, ओल्ड नहीं, वीक नहीं. आंसर इज स्ट्रॉन्ग. तो फ्रेल मीन्स स्ट्रॉन्ग. नाउ इंडिजिनस हमने किया है उस दिन वर्ड. ये इंडिजिनस मीन्स डोमेस्टिक, स्वदेशी, अपने देश का. उसका ऑपोजिट फॉरेन. जेन्युइन मीन्स असली, ऑथेंटिक. इंडिजेंट मीन्स पुअर, हमने अभी अभी किया है. सी सारे वर्ड्स की मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. तो इंडिजिनस मीन्स डोमेस्टिक, उसका ऑपोजिट फॉरेन. नाउ पॉवर्टी का ऑपोजिट हमने अभी किया है. पॉवर्टी का ऑपोजिट प्रॉस्पेरिटी. एडवर्सरी मीन्स बैड टाइम, एडवर्सिटी मीन्स बैड टाइम, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट. आंसर इज प्रॉस्पेरिटी. नाउ होलसम, होलसम मील, होलसम डाइट. होलसम मीन्स हेल्दी, दैट मीन्स बैलेंस्ड, दैट मीन्स सारे न्यूट्रिएंट्स होना. तो उसका ऑपोजिट अनहेल्दी. बाकी कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा. आंसर इज अनहेल्दी. नाउ वी हैव डन टिल 169, वी हैव डन टिल 2013 पेपर्स. 2018 से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, इन एनी ऑफ द सेंटेंस, इन एनी ऑफ द वर्ड, जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी. आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. इफ I am, see boys, if you are messaging me in the morning time, I am busy in the shoots, so just wait so that I can get free and I can check out your doubt and I can reply. Okay, अगर हम shoots में busy हैं तो हम continuously mobile नहीं देख सकते. इसलिए हो सकता है आप अगर सुबह message किया है और हम दोपहर तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, so there is a reason behind it कि we are busy in the shoots. So just wait, as soon as I'll get free, I'll check the messages and then I'll reply to all your doubts, I'll clear all your doubts. But till then, just study hard, work hard, and this is your Neetu ma'am saying bye. Thank you.